चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। सड़कों की मरम्मत को लेकर पदाधिकारियों से मिले माले नेता, कहा सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो अनशन पर बैठ जाएंगे। आंदोलन के बाद पदाधिकारियों ने लिया सड़क का जायजा। झारखंड में भाकपा माले की एक टीम ने आज बेंगाबाद प्रखंड की जर्जर सड़कों की मरम्मत को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। कहा कि यदि शीघ्र सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो दुर्गा पूजा जैसे मौके पर भी लोगों को भारी परेशानी होने वाली है। इस दौरान टीम की अगुवाई कर रहे माले नेता राजेश कुमार यादव ने कहा कि बेंगाबाद लुप्पी सड़क समेत प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सड़कों की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। एक भी सड़क चलने लायक नहीं है, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि लोग दुर्घटनाओं और परेशानियों को झेलकर भी इन्हीं सड़कों पर चलने को बाध्य है। इसी गंभीर सवाल पर स्थानीय विधायक सांसद पर चुप्पी साधे हुए है पच इसी गंभीर सवाल पर स्थानीय विधायक सांसद पर चुप्पी साधे हुए है प्रतिनिधियों की कोई संवेदना जनता के साथ नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि भाकपा माले इस जायज सवाल पर जनता के साथ खड़ी है। लॉकडाउन के कारण आंदोलन करने पर रोक है, लेकिन पदाधिकारियों की संवेदनहीनता और अक्षम्यता पर कोई रोक नहीं। उन्होंने कहा कि हम कानूनी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। अगर समस्या की नोटिस लेकर इसका समाधान नहीं हुआ तो वह प्रखंड मुख्यालय प्रखंड परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान मुख्य रूप से राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, रामलला मंडल, सुखदेव गोस्वामी, शंभू ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने एक सप्ताह पहले प्रशासन को नोटिस किया था कि बेंगाबाद लुप्पी की सड़क अत्यंत जर्जर हो गई है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है और उसके अलावा भी बेंगाबाद की तमाम ग्रामीण सड़कों का यही हाल है। तो हम लोगों ने कहा था प्रशासन को नोटिस लेकर के इसको तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। अल्टीमेटम भी लोगों की तरफ से दिया गया था, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज 15 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने के लिए। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो कोई जुलूस प्रदर्शन की बात नहीं है, कोई गोलबंदी की बात नहीं है, लेकिन लोग मिलने आए, प्रशासन से अपनी बात की और ये खुशी की बात है कि यहाँ प्रखंड के प्रशासन ने इसका नोटिस लिया है और आज ही वो लोग स्पॉट पर जाने वाले हैं और वहां की स्थिति को देख करके तत्काल अभी जो हो सकता है वो ये लोग करने के लिए तैयार है। तो हम इस सहयोग के लिए प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि पूजा के तुरंत बाद यदि इस समस्या का सॉर्ट आउट नहीं किया गया, पूरे बेंगाबाद की सड़कें जर्जर है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, अगर इसका सॉर्ट आउट करके तमाम सड़कों को बनाया नहीं गया तो इसके लिए फिर जो भी जरूरत होगा नियम कानून के अधीन या जिस भी तरीके से जरूरत होगा, हम बेंगाबाद की जनता के लिए लड़ा लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत हुई तो इस जगह पर हम लोग आमरण अनशन जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। हर हालत में बेंगाबाद की जनता को उनके हक अधिकार के प्रति जो प्रशासन की लापरवाही है उसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे और ये काम हो, सड़कें बने और तमाम चीजों का समाधान हो, इसका हम लोग मांग करने के लिए मतलब आए थे।